रेलवे हुकाम ने रेलवे में खसारे को कम करने का तरीका निकाल लिया। महकमा रेलवे का ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला। अप एंड डाउन की 24 ट्रेनें प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। चीफ मार्केटिंग मैनेजर रेलवे ने ट्रेन की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। फोर्ट अब्बास के बासियों के लिए खुशखबरी। समासट्टा रेलवे सेक्शन की बहाली के लिए 7 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए गए। हल्के के अवाम का इजहार मुसर्रत। कहते हैं हुकूमत की जान से 30 साल बाद ट्रैक की बहाली अच्छा इकदाम है। बहावलपुर में आवारा कुत्तों की भरमार। मसाफाती इलाकों में कुत्ते काटे के केसेस बढ़ने लगे। आवारा कुत्तों को तर्क न करने पर मकीनों की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं इलाके के मुतासिर बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं और कोई पूछने वाला नहीं। आवारा कुत्तों को फौरी तर्ज करने का मुतालिबा कर दिया गया। डीएचक्यू मुल्तान की तकमील सवालिया निशान बनकर रह गई। 8 साल से मनसूबा अल्तवा का शिकार। सीईओ है डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 14 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया जा चुका है। मंसूबे को जल्द पाया तकमील को पहुंचाया जाएगा। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की एकेडमिक काउंसिल के बड़े फैसले। यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज की तादाद 6 से बढ़ाकर 13 और शुबा जांच की तादाद 48 से बढ़ाकर 123 कर दी गई। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने के लिए बीएड के 5वें और एमएड के 3रे सेमेस्टर में तजवीदे कुरान की भी मंजूरी दे दी गई।